भदोही में सूर्यावा क्षेत्र के वीरमपुर में मंगलवार की दोपहर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी होने पर भदोही सीओ प्रभात रॉय, सूर्यावा थाने के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। युवक की पहचान जौनपुर जिला के बरसरी थाना के बगरमू गांव निवासी शंकर यादव के पुत्र विवेक यादव के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक वीरमपुर तालाब के पास मंगलवार की दोपहर में कुछ बच्चों ने युवक को टहलते हुए देखा था, लेकिन कुछ ही देर बाद युवक की मौत हो गई। युवक के मुंह से झाग निकल रहा था। सूचना की जानकारी होने पर भदोही सीओ प्रभात रॉय, सूर्यावा प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। भदोही पुलिस की सूचना के बाद बरसरी थाना अध्यक्ष वीरमपुर पहुंचे, जबकि मृत युवक के परिजनों सूचना के बावजूद भी वीरमपुर नहीं पहुंचे। युवक की संवाददाता अनिल तिवारी की रिपोर्ट। वीरमपुर गांव है, यहां पर भी एक गाड़ी की सूचना मिली थी, इस पर मौके पर सभी टीम भी आई है, प्रभारी सूर्यावा भी आए हैं, हमने भी विजिट किया हूं, सभी लोग आए हैं। और जो है ये गाड़ी जो है की डेड बॉडी है, और हम लोग अभी इसमें और जांच करके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ एक विराट 24 रात में 8:30 बजे एक झगड़ा हुआ था आदमी और विवेक यादव में, 180 रुपया बकाया के लेकर, जिसमें विवेक यादव हाथ पीछे रह रहा उसको लेकर ये लोग चले आए थे, जिस पर खाना खाना पड़ा सामान का मुकदमा था, जिसका शव आज यहाँ मिला है उसी संबंध में मैं यहाँ पर आया। सर ये कितने दिन परसों की बात है, अभी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। परिजन वहाँ पर सभी थाने पर हैं, उनका कहना है कि तो यहाँ किया जाए, लेकिन क्योंकि जुरिस्डिक्शन जिले का है, इस वजह से ये संभव सर सुनने नहीं।